ड्राइवर होने के बावजूद लोग जब टेस्ट देने के लिए आते हैं तो वो छोटी छोटी कौन सी तीन गलतियां हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अभी हम आपको वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से लोग जो हैं वो एक आसान सा टेस्ट जो है वो फेल कर बैठते हैं। इस वक्त आप यहाँ पे ये गाड़ी देख सकते हैं, ये हमारी मास्टर कोन है। इस मास्टर कोन के पास गाड़ी जो थी यहाँ पे ये रख कर ले आए हैं, जो कि गलती है यहाँ पे इस साइड पे गाड़ी रख कर ले आना। या तो मोड़ते वक्त ये कोन जो है यहाँ पर टच हो जाएगी, ये रेड वाली, या फिर इसका फ्रंट जो है गाड़ी का वो सामने वाली कोन के साथ टच हो जाएगा। जो दूसरी ड्राइवर गलती करते हैं वो ये है कि इसका टर्न जो है वो ड्राइवर साइड पर बना हुआ है और ये गाड़ी जो है इस तरफ रख कर ले आते हैं। अब अगर यहाँ से ये ट्रैक के अंदर गाड़ी लेफ्ट मोड़ेंगे तो ये फ्रंट टच हो जाएगा, और अगर फ्रंट को बचाएंगे तो फिर ये गाड़ी जो है वो पिछली कोनों के साथ टच हो जाएगी। तो ये दूसरी गलती है जो बड़ी ड्राइवर जो है ड्राइवर होने के बावजूद करते हैं। और जो तीसरी गलती है ड्राइवर जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि जब इस मास्टर कोन के पास गाड़ी पहुंचती है तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग इसने बैक मोड़ना है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी जो ट्रैक के अंदर मोड़नी है, वो आहिस्ता घुमाते हैं और जो गाड़ी की स्पीड है वो गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ कर लेते हैं, जिस वजह से गाड़ी जो है वो पिछली कोनों के साथ लग जाती है। तो ये इस तरह जो है कुछ लोग जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के दौरान गलतियाँ करते हैं।